अब कोरोना टीकाकरण को लेकर एक अच्छी खबर आपको दे दें। देश में 15 साल से ज्यादा की उम्र वाले बच्चों को तेज टीकाकरण के बाद अब बारी 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों की है, जिनको मार्च से वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। फरवरी में 15 से 18 साल के 7 करोड़ बच्चों को दूसरी डोज भी लगा दी जाएगी। अब 12 साल से बड़े बच्चों को लगेगा टीका। मार्च से वैक्सीनेशन का नया दौर, ज्यादा बच्चों को कोरोना का सुरक्षा कवच। देश में कोरोना की तीसरी लहर अपने पीक की तरफ बढ़ रही है और इस बार ये उतनी घातक नहीं रही, तो इसके पीछे बड़ी वजह ज्यादा आबादी को टीका लग जाना बताया जा रहा है। 3 जनवरी को 15 साल से बड़े बच्चों को टीका लगाने की शुरुआत के बाद अब सरकार ने इस दायरे को और बढ़ाने का फैसला किया है। टीकाकरण के मोर्चे पर एक और खुशखबरी आई है, मार्च से 12 वर्ष से ऊपर के बच्चों को भी वैक्सीन मिलने लगेगी। वैक्सीनेशन पर यह नई जानकारी राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह NTAGI के प्रमुख NK अरोड़ा ने दी है। NTAGI ने जनवरी के अंत तक 15 से 18 वर्ष तक के सभी 7 करोड़ 40 लाख बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज देने का लक्ष्य रखा है। फरवरी में सभी को दूसरी डोज लगेगी। इसके बाद मार्च में 12 से 15 वर्ष तक के बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जाएगी। डॉक्टरों और विशेषज्ञों ने सरकार के इस कदम को सही ठहराया है। गवर्नमेंट ने आज अनाउंस किया है कि 12 टू 15 इयर्स के बच्चों को भी अब से वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी मार्च में। ये एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों को, जितने ज्यादा पॉपुलेशन को हम कवर करेंगे, उतने ज्यादा लोग जो हैं वो इस इन्फेक्शन से बचने में समर्थ होंगे। बच्चों की जो वैक्सीन है, इसको लगाने से ना सिर्फ बच्चों को खतरनाक कोविड बीमारी से बचाव होता है, पर जनता के अंदर जो कोविड का, आम जनता के अंदर जो कोविड का कीटाणु फैल रहा है, ये उस वायरस को एक से दूसरे को फैलने में, ट्रांसमिशन जिसको बोलते हैं, उसमें बहुत फायदा करता है। 12 से 15 से 14 साल वाले जो बच्चे हैं वो भी लगभग 7.5 करोड़ है इंडिया में, तो बाई मार्च स्टार्टिंग से उनको वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा। तो ये भी बहुत वेलकम स्टेप है, क्योंकि जो हमारा इंडिया का पॉपुलेशन है, बच्चे काफी लाइक दे फॉर्म अ गुड नंबर ऑफ द पॉपुलेशन, तो उनको भी वैक्सीनेट करने की बहुत आवश्यकता है, और ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है भारत सरकार। बच्चों के वैक्सीनेशन का काम पूरी रफ्तार से चल रहा है। 15 साल से ऊपर के एज ग्रुप में अब तक 3.38 करोड़ बच्चों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। हालांकि भारत में किशोरों को कोरोना वैक्सीन देने का काम कई देशों के मुकाबले देरी से शुरू हुआ। ब्रिटेन में तो अब किशोरों को बूस्टर डोज लग रही है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अब भारत में भी बच्चे कोरोना से बेहतर मुकाबला कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।